सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज हम हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो एडमिशन हो रहे हैं नए सत्र के, इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। और अगर कोई छात्र जो काउंसलिंग के लिए इस यूनिवर्सिटी में आने वाला है और उसको लगता है कि उससे पहले क्या तैयारियाँ कर लेनी चाहिए, उसके लिए आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। और इस वीडियो में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो रूपेश नेगी जी हैं। तो नेगी जी, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। और आप इससे पहले वाली वीडियो में भी रहे और उससे छात्रों को काफ़ी हेल्प मिली, लगभग 1000 व्यूज़ उसमें चले गए हैं और लोगों का प्यार रहा, तो आगे भी व्यूज़ बढ़ते ही रहेंगे। तो चलिए, आपसे पहला सवाल ये है कि जो छात्र यहाँ पे अभी एडमिशन लेने आ रहे हैं, तो यूजी में और पीजी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए एडमिशन के दौरान? देखिए, जो छात्र यहाँ पे आ रहे हैं उनको सबसे पहले तो एक तो कैंपस की दिक्कत हो रही है कि कहाँ पे जाना है, क्योंकि हमारे दो कैंपस है, श्रीनगर कैंपस है और चौरास कैंपस है, बिरला कैंपस जो हमारा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि श्रीनगर जाना है या बिरला जाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो हमारा श्रीनगर कैंपस है वो श्रीनगर में है, ठीक है। जब भी आप किसी बस से या किसी भी गाड़ी से आएँ तो आप वहाँ पर बता दें कि हमको श्रीनगर कैंपस के कॉलेज गेट पर छोड़ दें, ठीक है। जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, बीकॉम को छोड़ के, बीटेक को छोड़ के, वो लगभग सभी की काउंसलिंग यहाँ पे, जैसे बीए, बीएससी, ठीक है, ये कोर्सेज के जो वो हैं वो बिरला कैंपस में इनकी काउंसलिंग हो रही है। दूसरी बात, आपने पूछा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो हर कॉलेज में चाहिए होता है वो ये है कि 10th 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी विथ ओरिजिनल, ठीक है, TCCC माइग्रेशन ओरिजिनल, ठीक है, और साथ में CUT का स्कोर कार्ड और जो HNB यूनिवर्सिटी है जो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एक वो और एक फीस रसीद। रजिस्ट्रेशन फॉर्म वही जो सामर्थ पोर्टल पे? हाँ जी। और वैसे जब एक छात्र सारे डॉक्यूमेंट लेके आ जाता है वहाँ से, तो फिर जो ये एडमिशन फॉर्म है ये कहाँ पे मिलेगा? एडमिशन फॉर्म हॉस्टल जो हमारा HNB जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसी के सामने किसी भी दुकान से आप ले सकते। मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कि हॉस्टल फॉर्म कोई 100 रुपए में दे रहा हो, 200 में दे रहा हो, कितना लगभग कितना प्राइस होता है उसका? वो जो फोटोकॉपी का जो प्रिंट का रेट है वही है, ठीक है। और जैसे कोई छात्र है जिसके पास माइग्रेशन नहीं है या TC नहीं ला पाया वो, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं उसके? उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक वो जारी किया था कि अगर कोई छात्र जिसके पास TCCC नहीं है या जैसे कोई माइग्रेशन अभी नहीं मिल पाए स्कूल से, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आप लोग लिख सकते हैं, एक अंडरटेकिंग आप यूनिवर्सिटी को देंगे कि 1 महीना 10 दिन, हफ्ता 10 दिन के अंदर मैं इसको, इस डॉक्यूमेंट को जमा कर दूंगा, तब तक के लिए मेरे को थोड़ा टाइम दिया जाए, तो उसकी काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है। और जैसे अभी एंटी रैगिंग का फॉर्म भी जमा करना है? नहीं, एंटी रैगिंग का फॉर्म अभी जमा नहीं करना, ठीक है। पिछली बार जैसे ना एंटी रैगिंग का छात्रों को भी आगे फॉर्म जमा करना होगा एंटी रैगिंग का, तो पिछली बार ऑनलाइन चल रहा था, बट इस बार शायद ऐसा नहीं। हाँ, इस बार जो प्रॉक्टर बोर्ड है वो जो आपके आईडी कार्ड जो हमारे बनते थे, पिछली बार हमारे प्रॉक्टर बोर्ड आईडी अलग से बनाता था, इस बार वो सारे काम डिपार्टमेंट से हुए। अच्छा, वो जो प्रॉक्टर बोर्ड वाला जो सर्टिफिकेट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वो इस बार आपको डिपार्टमेंट से ही बनेंगे। तो वो जो फॉर्म है वो भी एडमिशन फॉर्म के साथ ही मिलेगा? जी, वो उसी के साथ मिलेगा। और लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी का फॉर्म भी है, पर वो लाइब्रेरी का फॉर्म लाइब्रेरी में जमा होगा बाद, वो जब आपका एडमिशन पूरा हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो जैसे, और आप छात्र नेता हैं और आप लगातार बच्चों की एडमिशन कराने में हेल्प कर रहे हैं, तो किस तरह का बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है जब वो यहाँ श्रीनगर में आ रहा है? तो देखो गौरव जी, जो हमने अभी तक देखा है, सबसे बड़ी तो आजकल दिक्कत ये हो रही है कि बच्चा पूरे देश से यहाँ पर आ रहा है। बच्चा यहाँ पे केरला से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है, कोलकाता से, मतलब वेस्ट, पूरे इंडिया से, पूरे ऑल ओवर दी इंडिया से यहाँ पे बच्चा आ रहा है। तो उसको सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो है ट्रैवलिंग की। हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे हरिद्वार से जो श्रीनगर का बीच में कई बार टूट जा रहा है, तोता घाटी टूट जा रहा है, कई बार क्या हो रहा है कि बस आ रही है, आधे तक वो पहुँच पा रहे, तोता घाटी पर टूट जा रहा है, तो वो वापस जा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ट्रैवलिंग की हो रही है। तो अभी देहरादून से भी कुछ लोग देहरादून से होके आ रहे हैं, टिहरी चंबा होके आ रहे हैं, तो एक तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये हो रही है। दूसरा कुछ प्रॉब्लम ये हो रही है कि रहने की व्यवस्था, कुछ जैसे फैमिली आते हैं, तो मैं आपके दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ना आए, मतलब जैसे कुछ कुछ मैंने बच्चे देखे वो पूरी फैमिली को लेके यहाँ पे आ जा रहे हैं, तो उनको फिर रहने की काफ़ी दिक्कत हो रही है, होटल का रेंट थोड़ा ज़्यादा पड़ जा रहा है, खाना पीना उनको महंगा पड़ जा रहा है,
तो सिर्फ एक आदमी को जो आपकी सीनियर है, भैया है या मम्मी है घर में, जो भी मतलब बड़ा है, जो आपको थोड़ा काउंसलिंग टाइप करता है, आपकी मदद कर सकता है, थोड़ा जागरूक है, आप सिर्फ उसको लेके आए, मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ना लेके आए, फिर दिक्कत है पहाड़ों में, आपको पता है ये सारी दिक्कत है। दूसरी बात है, जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो अब हमको भी, जब मैं पहली बार आया था मेरे को नहीं पता था कि कहाँ पे चौरासे और कहाँ पे श्रीनगर है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बस वाले को सिर्फ ये बोले कि यूनिवर्सिटी के हमें गेट पे उतार दीजिए, जिनको जो मास्टर्स डिग्री वाले हैं, जो प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं, उनको चौरास जाना है तो वो बता सकते हैं कि हमें चौरास जाना है। चौरास हमारा दूसरा कैंपस है, जो श्रीनगर कैंपस है उसको हम बिरला कैंपस बोलते हैं, तो उसके बाद वो वहाँ पे उतर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस मैटर वो हो रहा है, तो उसकी वजह से। दूसरा ये है, फिर डॉक्यूमेंट्स कुछ लोग मतलब TCCC माइग्रेशन तो सभी लेके ही आएंगे, क्योंकि फिर दोबारा दोबारा मान लो कोई केरला से आ रहा है और वो माइग्रेशन जमा करने फिर 10 दिन बाद तो आएगा नहीं। मैं यही बोलना चाहूँगा कि TCCC माइग्रेशन एटलीस्ट आप लोग ओरिजिनल लेके आएंगे, बाकी तो यही है। बाकी एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए होती है, आप मेरा नंबर दे दीजिए, हम कोई भी कॉल कर सकता है, कभी भी कॉल कर सकता है, और साथ में एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे अगर कोई भी किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो हम। जी, तो जैसा रुपेश जी आपने बताया कि साथियों जो ये हमारा उत्तराखंड है तो यहाँ पे लैंडस्लाइड का काफ़ी इशू रहता है, तो इस वजह से छात्रों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और रूट डाइवर्ट होने की वजह से अगर कोई छात्र 5-6 घंटे में हरिद्वार से श्रीनगर पहुँचता तो वो 8-10 घंटे तक पहुँच रहा है जी। तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। और बाकी जैसा आपको रुपेश जी ने बताया कि अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं एडमिशन के दौरान और आपको लग रहा है कि यार अपनी प्रॉब्लम कहाँ जाके शेयर कर रहे हैं, थोड़ा आपको नए शहर में थोड़ा अकेला लगता ही है, तो उसके लिए आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। जितने भी छात्र नेता हैं यूनिवर्सिटी के काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो कोई आपकी मदद करने के लिए मना नहीं करेगा। और कुछ डाउट है आपका तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएँ। सो रुपेश जी थैंक यू सो मच, आपने कुछ बातें हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी क्लियर करी, और आशा है कि आप ऐसे ही आगे हमेशा जुड़े रहेंगे और छात्रों के हित के लिए जो आप कर सकते हैं वो आप जरूर करेंगे। साथियों आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।